Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की अपनी श्रृंखला में आज मैं आपसे दयानंद सरस्वती के बारे में बातचीत करूंगा। दयानंद सरस्वती भारत में पुनर्जागरण और समाज सुधारों के एक महानायक के रूप में याद किए जा सकते हैं और याद किए जाते हैं इन्होंने आर्य समाज जैसी संस्था का गठन किया और इस संस्था ने या इस संगठन ने अपने कामों के माध्यम से भारतीय समाज में सुधार लाने भारतीय समाज को ज्यादा बेहतर बनाने का काम किया आज की जो हमारी पूरी चर्चा है वह ऐसे ही एक चिंतक यानी कि दयानंद सरस्वती के बारे में है आप सब यह जानते होंगे मुझे उम्मीद है कि उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था जो काफी प्रसिद्ध हुआ उन्होंने अपने कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन का स्तंभ बनाया उन्होंने ही सबसे पहले अठारह में स्वराज्य का नारा दिया था जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया दयानंद सरस्वती की अगर हम जीवन उनके समय अवधि को देखें अठारह से अठारह के बीच में तो यह वह दौर था जबकि भारत में जो अंग्रेजी शासन था जब इनका जन्म हुआ तो वह अपनी जड़ें जमा चुका था और धीरे धीरे करके इसकी स्थिति लगातार मजबूत होती गई अठारह का जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसके बाद असल में अंग्रेज़ों की स्थिति और ज़्यादा दृढ़ता के साथ स्थापित हुई हिंदुस्तान में और फिर एक ऐसे चिंतक के रूप में दयानंद सरस्वती आए और कई अन्य शख्सियतें भी आए जिन्होंने अपने अपने समाज के भीतर या अपने अपने धर्म के अनुयायियों के भीतर एक जागृति लाने की कोशिश की तो ऐसे ही एक शख्सियत के रूप में दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे मोर्चों पे काम किया उन्होंने कोशिश की कि विशेष रूप से हिंदू धर्म के भीतर जो खामियां हैं जो कमियां हैं वो दूर हों और हिंदू धर्म की कमियों को दूर करने के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में मौजूद बहुत तरह की कुप्रथाओं पर प्रहार किया और समाज में धर्म के नाम पर जो अलग अलग तरह की रूढ़ियाँ या अलग अलग तरह के पाखंड मौजूद थे उन पर हमला किया तो जो हमारी पूरी चर्चा है आ, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में उसकी रूपरेखा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे उनका जन्म कब हुआ और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन की तमाम गतिविधियाँ की फिर उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के बारे में हम बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम आर्य समाज के सिद्धांतों और दस नियमों और आर्य समाज द्वारा किए गए समाज सुधार के माध्यम से काफ़ी साफ तरीके से काफ़ी स्पष्ट रूप से यह समझ बनाएं कि जो दयानंद सरस्वती थे उनके काम का उनकी सोच का उनके सिद्धांतों का दायरा क्या था शिक्षा प्रणाली में उनका क्या योगदान रहा हिंदी सेवा उन्होंने कैसे की यह भी एक चर्चा का विषय रहेगा और उसके बाद हम वैदिक स्वराज्य की अवधारणा की बात करेंगे जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसके बाद हम कुछ आलोचनात्मक बिंदुओं की तरफ आगे जाएंगे और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान की एक समीक्षा करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के अंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था उनके माता-पिता यशोदाबाई और कृष्णलाल जी तिवारी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे उनके पिता एक कर कलेक्टर टैक्स कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे मूल नक्षत्र के दौरान पैदा होने के कारण उन्हें पह, उन्हें पहले मूल शंकर तिवारी नाम दिया गया था दयानंद सरस्वती की माता वैष्णव थीं जबकि उनके पिता शैव मत के अनुयाई थे आगे चलकर विद्वान बनने के लिए वे संस्कृत वेद शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए शिव के पक्के भक्त बालक मूल शंकर को महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने को कहा और यह एक ऐसी कहानी है जो हमें से अधिकांश लोगों ने स्कूल के दिनों में पढ़ी होगी शिव मंदिर में रात्रि में बालक ने चूहों को शिवलिंग पर उत्पात मचाते देखा तो बालक मूल शंकर को यह बोध हुआ कि यह वह शंकर नहीं है जिसकी कथा उसे सुनाई गई थी इसके बाद मूल शंकर मंदिर से घर चला गया और उसके मन में सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा जाग उठी अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण मृत्यु होने से वे जीवन-मरण के अर्थ पर गहराई से विचार करने लगे और वे ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे तब उनके माता पिता ने उनका विवाह किशोरावस्था के प्रारंभ में ही करने का निर्णय लिया उन्नीसवीं सदी के आर्यावर्त में यह आम प्रथा थी कि बाल विवाह कर दिया जाता था लोगों का और हम कई सारे जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों को पढ़ेंगे उनमें से कईयों का बाल विवाह हुआ हुआ होगा था जैसे महात्मा गांधी उसमें से एक प्रमुख हैं लेकिन बालक मूल शंकर ने निश्चय किया कि विवाह उनके लिए नहीं बना है और वे अठारह में सत्य की खोज में निकल पड़े वे घर से बाहर निकल पड़े और यात्रा करते हुए गुरु विरजानंद के पास पहुंचे गुरु ने उन्हें पढ़नी व्याकरण पातंजल योग सूत्र तथा वेद वेदांग का अध्ययन कराया गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा यानी उनके गुरु विरजानंद ने कि विद्या को सफल कर दिखाओ परोपकार करो मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र विकीर्ण करो यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है उन्होंने अंतिम शिक्षा दी मनुष्यकृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषि ऋषियों की निंदा है ऋषिकृत ग्रंथों में नहीं महर्षि दयानंद ने अनेक स्थानों की यात्रा की उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए वे कलकत्ता में बाबू केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए यहीं से उन्होंने हिंदी में बोलना व लिखना आरंभ किया बाबू केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर जो थे वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे महर्षि दयानंद ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत उन्नीस सन अठारह को गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ नहीं है इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा किया यह अपने आप एक महत्वपूर्ण वाक्य है कि वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है और इसमें मुख्य रूप से जो एक आ, अलग अलग तरह के मतांतर हिंदू धर्म के भीतर आ, आ गए थे और अलग अलग छोटे छोटे संप्रदायों के रूप में आ, लोग विभिन्न प्रकार के पुस्तकों के सहारे हिंदू धर्म की जो एकता थी उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे तो उसे आ, एक तरीके से चुनौती देने के लिए दयानंद सरस्वती ने इस बात पर जोर दिया कि वेदी जो है वो एक प्रामाणिक ग्रंथ है जहाँ जहाँ वे गए प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था संस्कृत में प्रवाह बोलते थे वे प्रचंड थे प्रचंड तार्किक उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म ग्रंथों का भली भांति अध्ययन मंथन किया था अतएव अपने शिष्यों के संग मिलकर उन्होंने तीन तीन मोर्चों पर संघर्ष किया दो मोर्चे तो ईसाइत तो और इस्लाम के थे किंतु तीसरा मोर्चा सनातनी सनातन धर्मी हिंदुओं का भी था तो एक बात जो हमें याद रखने की जरूरत है और बाद में हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन जरूर करेंगे कि, ज, कि किस तरीके की भावना या किस तरीके का विचार दयानंद सरस्वती ने ईसाई या मुस्लिम धर्म के लिए विकसित किया और उनके अनुयायियों ने इसे किस रूप में देखा लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि दयानंद सरस्वती ने अगर ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म पर प्रश्न खड़े किए उन्हें चुनौती दी तो वो किया उन्होंने इन धर्म के मूल ग्रंथों को पढ़ने के बाद वो सिर्फ हवा हवाई बातों से ऐसा नहीं कह रहे थे या अपने धर्म की श्रेष्ठता अपनी परंपरा की श्रेष्ठता पर जोर वो सिर्फ इस आधार पर नहीं दे रहे थे कि वो पहले से ही एक धारणा बनाकर बैठे थे वो धारणा जो उनके निर्मित हुई वो एक अध्ययन से निर्मित हुई थी जो इस बात का प्रमाण है कि अगर किसी भी धर्म की या किसी भी परंपरा की अगर आलोचना करनी है तो सबसे पहले हमें उससे जुड़ना होगा उनके ग्रंथों को पढ़ना होगा गहराई से उस पर चिंतन मनन करना होगा और ये जो पूरी एक प्रवृत्ति है वो दयानंद सरस्वती के जीवन में उनके कार्य में दिखती है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई धार्मिक व सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में थीं किंतु समय के साथ उन्होंने पुस्तकों को हिंदी में भी लिखा हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया और यह वह दौर था जबकि हिंदी को एक सुगठित रूप से विकसित करने का प्रयास चल रहा था अगर आ, आप में से बहुत सारे लोग हिंदी साहित्य के हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखन और बाद में जो अलग अलग तरह के पत्र पत्रिकाएं आने शुरू होती हैं उनके बारे में आप जरूर जानते होंगे तो उसके पहले के दौर में या तो उससे कुछ वर्षों के आसपास के दौर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी हिंदी को एक आर्य भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और उसके पीछे मुख्य लक्ष्य यही था कि हिंदुस्तान को जैसे वो एक ग्रंथ चाहते थे वेद के रूप में उसी तरीके से वो एक भाषा चाहते थे और वो भाषा उन्हें आर्य भाषा हिंदी के रूप में प्राप्त हुई सत्यार्थ प्रकाश अठारह में प्रकाशित हुई थी यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध कृति है उन्होंने इसके अतिरिक्त वेदों और कई अन्य ग्रंथों पर टिकाएं लिखी ऐसी कृतियों में ऋग्वेद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची का उल्लेख किया जा सकता है किसी भी घर परिवार के लिए पशुओं की महत्ता को बताने के लिए उन्होंने गो करुणानिधि शीर्षक से पुस्तक की रचना की अठारह में गुरु विरजानंद के पास अध्ययन पूर्ण होने के बाद लगभग बीस वर्षों के कार्यकाल में दयानंद सरस्वती की हत्या व अपमान के लगभग चवालीस फायदे हुए जिसमें से 17 बार विभिन्न माध्यमों से विष देकर प्राणहरण का प्रयास हुआ आखिरकार इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर अठारह में अजमेर में हुई यह आ, मन में ख्याल आ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या के प्रयास क्यों किए जा रहे थे तो निश्चित रूप से ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अनेक मोर्चों पर संघर्ष कर रहे थे यानी कि वो एक तरह एक तरफ मुस्लिमों और ईसाइयों को चुनौती दे रहे थे लेकिन उससे ज्यादा वो जो एक कर्मकांडी हिंदू धर्म के पुरोधा रक्षक लोग थे आ, वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती से काफी नाराज थे और स्वामी दयानंद सरस्वती उनकी मूल मान्यताओं को चुनौती दे रहे थे समाज में उनके प्रभुत्व को चुनौती दे रहे थे और उनका जो मुख्य लक्ष्य था वह असल में इनको चुनौती देते हुए एक ज्यादा सरल और बेहतर हिंदू धर्म की स्थापना करना था यहाँ पर आ, हम आगे बढ़ते हुए आर्य समाज के बारे में आ, जो दयानंद सरस्वती का काम है उस पर आ, ध्यान देंगे आर्य समाज के चूंकि स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी तो शुरुआती वर्षों में इसका स्वरूप क्या हो इसके सिद्धांत का हो इस क्या हो इसके कार्य किस दिशा में आगे बढ़े ये सारे पहलू जो हैं उसे तय करने में दयानंद सरस्वती की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई मुंबई में मथुरा के स्वामी की प्रेरणा से की थी आ, बंबई को अब मुंबई के नाम से जाना जाता है यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था आर्य समाज का शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास था इसने मूर्ति पूजा अवतारवाद बलि झूठे कर्मकांड व अंधविश्वासों को अस्वीकार किया हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि जिन जिन शब्दों की हम बात कर रहे हैं मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा अभी भी समाज में मौजूद है अवतारवाद की प्रवृत्ति अभी भी है कई सारे ऐसे साधु महात्मा या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग नामों से पंड जो साधु का भेष धरे लोग हैं वो सामने आते हैं और खुद को अवतारी बोलते हैं बलि की प्रथा जिसका विरोध आर्य समाज ने शुरू किया वो अभी भी कई स्तरों पर देखने को मिल सकती है झूठे कांड और अविश्वास भी मौजूद हैं। तो उस समय आज से डेढ़ सौ साल पहले जब दयानंद सरस्वती ने इन सभी बातों के सुबात की शुरुआत की होगी तो उन्हें और ज्यादा चुनौती मिली होगी उन्हें और ज्यादा नफरत और हिंसा का सामना करना पड़ा होगा और यही कारण है कि उनकी हत्या के कई बार प्रयास भी किए गए थे साथ ही आर्य समाज में छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा स्त्रियों व शूद्रों को भी योग्यो पवित्र धारण करने व वेद पढ़ने का अधिकार दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है आर्य समाज का आदर्श वाक्य है किणवंतो विश्व जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो और आर्य का यहाँ पर हमें अर्थ हिंदू धर्म के प्रसार से ही लेना चाहिए प्रसिद्ध आर्य समाजी जनों में स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी श्रद्धानंद महात्मा हंसराज लाला लाजपत राय भाई परमानंद आदि आते हैं और ये सभी लोग आ, स्वामी दयानंद सरस्वती की भी हम चर्चा कर रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद का काम भी काफी महत्वपूर्ण रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा हंसराज का भी लाला लाजपत राय प्रसिद्ध और भाई परमानंद भी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तो एक तरीके से बड़े सारे लोगों को आर्य समाज के विचारों ने आकृष्ट किया और इल, ये लोग आर्य समाज से जुड़े आर्य समाज की के सिद्धांतों की हम बात करें जो कि एक तरीके से दयानंद सरस्वती के सिद्धांत हैं जो जिस रूप में वो चाहते थे कि समाज ढले आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ और प्रगतिशील होता है अतः आर्य समाज का अर्थ हुआ श्रेष्ठ और प्रगतिशीलों का समाज जो वेदों के अनुकूल चलने का प्रयास करते हैं दूसरों को उस पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं आर्य समाजों के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगी राज कृष्ण हैं महर्षि दयानंद ने उसी वेद मत को फिर से स्थापित करने के लिए आर्य समाज की नींव रखी आर्य समाज के सब सिद्धांत और नियम वेदों पर आधारित हैं आर्य समाज की मान्यताओं के अनुसार फलित ज्योतिष जादू टोना जनपत्री, श्राद्ध तर्पण व्रत भूत प्रेत देवी जागरण मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा मनगणंत और वेद विरुद्ध हैं और अगर आप इन शब्दों पर ध्यान देंगे ज्योतिष जादू टोना जन्मपत्री श्राद्ध तर्पण व्रत भूत प्रेत देवी जागरण मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा तो आप ये पाएंगे कि असल में समकालीन समय में भी जिस दौर में हम सब रह रहे हैं उस दौर में इन्हीं चीजों को असल में धर्म के मुख्य तत्व के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है और आ, मैं एक एक चीज पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा पर शायद ही हमें आ, कोई व्यक्ति मिले अपने आस पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो यह ना कहे कि उसके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्योतिष में भरोसा नहीं कर सकता करता है जादू टोना का प्रभाव थोड़ा हो सकता है कम हुआ हो लेकिन जनपत्री को श्राद्ध को तर्पण को व्रत भूत प्रेत देवी जागरण ये सारे हमारे जीवन के हिस्सा बने हुए हैं तो इस लिहाज हाँ से जो आर्य समाज है उसने एक सिद्धांत के रूप में अपनाया कि ये सारी की सारी बातें जो हैं वो मन गणन थे और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया जब आर्य समाज ने एक सुधार की नींव रखनी चाहिए तो सुधार की नींव रखते हुए उन्होंने वेदों का सहारा लिया वो ये नहीं कह रहे थे कि हम एक पश्चिम की तार्किक सोच से प्रेरित होकर यह कह रहे हैं कि चूंकि इन इन चीजों चीजों का कोई आधार नहीं है इसलिए आप इन को ना माने उनका यह कहना है था कि एक वेद है जो कि हमारे धर्म के या आर्य धर्म या सनातन धर्म के मूल ग्रंथ के रूप में है आप उनके अनुसार अपने जीवन को यापन कीजिए बाकी सारी बीच में जो चीजें आ गई हैं वो सब दिखावा है इसके अलावा आर्य समाज ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची ईश्वर की पूजा करना ही आ, आ, असल में सच्चे ईश्वर पूजा करना चाहिए लोगों को और यह ईश्वर जो है वो वायु और आकाश की तरह सर्वव्यापी है वह ईश्वर अवतार नहीं लेता है वह सब मनुष्यों को उनके कर्मानुसार फल देता है अगला जन्म देता है उसका ध्यान घर में किसी पर किसी भी एकांत में हो सकता है यानी कि उसके लिए अलग से मंदिर में मठ में तीर्थ यात्रा करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है और जैसे मैंने पहले बताया कि ये आ, सत्यार्थ प्रकाश में इन सभी बातों पर जोर दिया गया है अन्य माननीय ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अलावा जिसे आर्य समाज स्वीकार करता है उसमें वेद उपनिषद क्षण दर्शन गीता व वा, वाल्मीकि रामायण इत्यादि हैं महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इन सबका सार दिया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेदों की बात करके वो रुक जा रहे हैं लेकिन हाँ यह जरूर है कि वो अन्य तमाम तरह की निंदा कर रहे हैं ईश्वर का सर्वोत्तम और निज नाम आर्य समाज मानता है ओम है उसमें अनंत गुण होने के कारण उसके ब्रह्म महेश विष्णु गणेश देवी अग्नि शनि आदि अनंत नाम हैं। इनकी अलग अलग नामों से मूर्ति पूजा ठीक नहीं है तो मूर्ति पूजा का विरोध लगातार आर्य समाज के द्वारा किया गया आर्य समाज वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र को कर्म से मानता है जन्म से नहीं तो ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर बाद में जो भी चिंतक आए उनके लेखन में हम इसका विरोध देख सकते हैं इसी दौर में या इसके कुछ समय बाद जब ज्योतिबा फुले अपना काम कर रहे थे या ज्योतिबा फुले के अलावा पेरियार जब अपना लेखन करते हैं या जब अम्बेडकर अपना लेखन करते हैं तो वो वर्ण व्यवस्था के बारे में इस तरह के विचारों को नहीं मानते हैं और उनका यह कहना है एक ये, ये, जो वर्ण व्यवस्था के बारे में जो आर्य समाज का या जो स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार है उसके बारे में हमें यह समझने की जरूरत है कि चिंतकों की एक ऐसी पूरी श्रृंखला रही है और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो यह मान कर चलते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है असल में उसमें बाद में विकृतियां आई जाति के रूप में लेकिन इसमें अपने आप में कोई बुराई नहीं है क्योंकि अगर यह जन्म के आधार पर नहीं है यह कर्म के आधार पर है तो एक समय तक महात्मा गांधी भी यह कहते ही रहे कि जो वर्णाश्रम धर्म है वह कर्म के आधार पर एक समाज को संचालित करने की एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है आर्य समाज ने भी इसी तरह के विचारों को रखा लेकिन जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं उनका यह कहना है कि यह कभी भी कर्म के आधार पर काम नहीं कर सकता है और हमेशा ही इसकी बुनियाद जन्म ही रही है जन्म के आधार पर इसको अच्छे तरीके से मजबूती प्रदान की जाती है इसलिए बजाय इसकी कि कि किसी भी रूप में इसका समर्थन किया जाए इसकी हिमायत की जाए जरूरत इस बात की है कि इसको पूरी तरीके से नकारा जाए इसको खारिज किया जाए तो यहाँ इसके आस पास का जो विवाद विवाद है उससे एक हल्का सा परिचय मैंने आपका कराने की कोशिश की आर्य समाज जो है आ, हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने हमेशा ही आ, अगर हम इसको सकारात्मक रूप से देखें तो उन्होंने जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को नकारा उन्होंने जातिगत भेदभाव को नकारा लेकिन वो आ, यह कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के जो विचार हैं उसको पूरी तरीके से नहीं नकार पाते हैं आर्य समाज स्वदेशी स्वभाषा और स्वधर्म का पोषक है और इसमें ये सारी चीज़ें जो जो हैं वो बाद के जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन उभर कर सामने आया उसमें इन चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही विशेष रूप से स्वदेशी को अगर हम देखें तो इसने लगातार एक स्थान हासिल किया हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बंग भंग के बाद भी इस पर जोर दिया गया और जब महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली तो उन्होंने भी लगातार स्वदेशी पर जोर दिया तो ये सारी चीजें इसकी जो एक बुनियाद है उसके उसे हम आर्य समाज में देख सकते हैं आर्य समाज वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व ही हमारा पूरा संसार ही हमारा परिवार है इस विचार को मानता है लेकिन वह भूमंडलीकरण को देश समाज और संस्कृति के लिए घातक मानता है यह दोनों विचार आपस में विरोधाभासी लग सकते हैं कई लोगों को लेकिन ये विरोधाभाषी नहीं है इसमें अंतरविरोध उस तरीके से नहीं है यानी कि समाज का मानना यह है कि भले ही हम वसुधैव कुटुम को अपनाएं अपने दिल के दरवाजे अपने देश के दरवाजे दूसरों के लिए खुले रखें लेकिन अगर हम उसको एक असमान व्यवस्था या भूमंडलीकरण की व्यवस्था के, के रूप में अपनाते हैं जहां बिना किसी रोक टोक के कोई हमारे देश में आए हमारे देश के आर्थिक संसाधनों पर या हमारे देश की संस्कृति पर एक तरीके से अपना प्रभाव डालने की कोशिश करे तो वो घातक होगा हमारे समाज के लिए तो आ, दो कुटुंबकम को कर स्वीकार की की तो करता है आर्य समाज वैदिक समाज रचना के निर्माण व आर्य चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने के लिए प्रयासरत है इस समाज में मांस अंडे बीड़ी सिगरेट शराब चाय मिर्च मसाले आदि वेद विरुद्ध होते हैं तो आ, मांस अंडे बीड़ी सिगरेट शराब चाय मिर्च मसाले वेद विरुद्ध होते हैं ये आ, जो आ, विचार है वो अपने आप में काफी आकर्षक विचार उन लोगों को लग सकता है जो कि इन चीजों का सेवन नहीं करते हैं या हम यह कहें जो एक बहुत ही शुद्धतावादी रूप में धर्म को देखते हैं तो आर्य समाज ने यह नहीं कहा कि जो लोग इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं वो आर्य हो ही नहीं सकते हैं लेकिन शायद उसने आदर्श के रूप में इन चीजों को स्थापित करने की कोशिश की आर्य समाज के दस नियमों पर अभी हम ध्यान देंगे पहला सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है दूसरा ईश्वर सचिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतयामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है उसी की उपासना करने योग्य है जो ये अलग अलग शब्द आए हैं उनका काफी व्यापक अर्थ है मैं मिसाल के तौर पर एक दो शब्दों पर ध्यान दूंगा अजन्मा का मतलब यहाँ पर सीधे तौर पर अवतारवाद का विरोध हो गया अनंत निर्विकार का मतलब वह किसी सापेक्षित रूप में, रूप में में मूर्ति के नहीं आ सकता है न्यायकारी और दयालु का मतलब यह हुआ कि वह लोगों को लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकता है अजर अमर है यानी फिर से वो बार वो जो लाइफ का जो साइकिल होता है उससे अलग है तो एक व्यापक परिभाषा ईश्वर की दी आर्य समाज ने तीसरे स्तर पर आर्य समाज ने यह कहा कि जो वेद है वो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है चौथा सत्य को के ग्रहण करने और असत्य के को छोड़ने में सर्वदा उदित रहना चाहिए पांचवा सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए, चाहिए। छठा संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना सातवां सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर, वर्तना चाहिए आठवां अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए नौवां प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए दसवां सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए ये इसका अर्थ यही हुआ अगर हम इन नियमों को ध्यान से देखें कि ये सभी मनुष्यों के लिए व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन के बीच में एक संतुलन लाने की बात करते हैं यानी कि व्यक्ति के रूप में हमें अविद्या का नाश करना चाहिए विद्या के वृद्धि करनी चाहिए लेकिन जैसे कि नौवे नियम में यह कहा गया है कि सिर्फ अपनी संतुष्टि से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए बल्कि सबकी उन्नति का प्रयास करना चाहिए और फिर दसवें नियम में जो ये कहा गया है कि सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए यानी कि हम अगर समाज के लिए कोई अच्छा नियम देखते हैं तो हमें दूसरों यानि के यानी कि सामाजिक व्यवस्था के ग्रह अनुसार अपना व्यवहार रखना चाहिए और जो हितकारी नियम है उसको पालने में हमें स्वतंत्र रहना चाहिए तो कुल मिलाकर ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और समुदाय की जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की जो भलाई है और समुदाय की जो भलाई है उनके बीच में एक अन्योन्याश्रित संबंध की भी बात यहाँ पर आती है और इस रूप में अगर हम देखें तो आर्य समाज ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो धर्म मौजूद था उस समय उसकी कड़ी समीक्षा भी की और जो उसमें कुरीतियां थी अवतारवाद के रूप में देवी जागरण के रूप में तीर्थाटन के रूप में मूर्ति पूजा के रूप में और अन्य ढकोसलों के रूप में उसकी उन्होंने तीखी आलोचना की अब इसमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बहुत सारे लोग ढकोसला नहीं मानते हैं आज के के दौर में भी। तो आ, जो के जो आर्य समाज संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती उन्हें उनकी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो ये कहते हैं कि असल में जो ईश्वर है उसे आ, वो अनंत हैं निराकार हैं और उसे जानने का तरीका वेद है बजाय इसके कि आप अलग अलग तरह की कई स्रोतों से जाएं और कई तरह के पाखंड या कई तरह के दिखावे को अपनाएं। तो ये दयानंद सरस्वती का मूल विचार है और अगर हम ये देखेंगे कि आर्य समाज किस तरीके से अभी भी काम करता है और पहले भी काम करता रहा है तो उसने एक हम कह सकते हैं सरल संस्करण दिया हिंदू धर्म का कर्मकांड से रहित संस्करण दिया हिंदू धर्म का और इसी आधार पर हम इसके नियमों को देख सकते हैं और इसका मतलब निश्चित रूप से यह है कि हमें जो अलग अलग तरह के कर्म कांडे धीरे धीरे करके उनको उनसे खुद को दूर करना चाहिए अब आर्य समाज और समाज सुधार के मुद्दे पर हम ध्यान देते हैं उन्होंने छुआछूत और जन्मना वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और ये दोनों ही चीजें जो हैं वो लगातार हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनी रही लड़कियों की शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया लड़कियों की शिक्षा पर लगातार जोर देने का काम इस दौर में कई अन्य समाज सुधारकों ने भी किया और उसमें सावित्रीबाई बाई फूले का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है जिन्होंने उसके लिए काफी संघर्ष किया कई बार उनका संघर्ष अपने समय में एक शहर तक सीमित माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने किसी बड़ी संस्था का निर्माण नहीं किया जैसा कि आर्य समाज और आर्य समाज से लोगों ने बाद से जुड़े लोगों ने बाद में किया लेकिन सावित्रीबाई फूले और उनके जैसे अन्य लोगों का संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने समाज का जो एक आक्रामक चेहरा था आ, वो देखा उसका उसको सहन किया उसको झेला क्योंकि और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़कियों के की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहती थी करना चाहती थी लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि जो आर्य समाज है उसने लगातार लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया इसने आर्य समाज ने महिलाओं के लिए समान अधिकार बाल विवाह का उन्मूलन पर जोर देने और विवाह विधवा विवाह का समर्थन किया ये सारी ऐसी चीजें थी जो उस समय काफी हद तक समाज में रूढ़ थी के रूप में और इन्हें चुनौती देना एक बहुत महत्वपूर्ण काम था समाज की बेहतरी के लिए तो इस दिशा में आर्य समाज ने आगे कदम बढ़ाए और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इसमें काफी जोर दिया स्वामी जी यानी कि दयानंद सरस्वती जी ने धर्म सुधारक के रूप में मूर्ति पूजा कर्मकांड कांड पुराण पथी तंत्रवाद आदि का विरोध किया इसके लिए उन्होंने वेदों का सहारा लेकर विभिन्न दृष्टांत दिए इससे उन्होंने सशुप्त भारतीय जनमानस को चैतन्य करने का अद्भुत प्रयास किया स्वामी जी ने हिंदुओं को हीन पतित और कायर होने के भाव से मुक्त किया और उनमें उत्कट आत्मविश्वास जागृत किया दयानंद ने बहुविवाह सती प्रथा मृतक श्राद्ध पशु बलि नरबली पर्दा प्रथा देवदासी प्रथा वृश्यावृति शवों को दफनाने या नदी में बहाने तथा समुद्र यात्रा का निषेध जैसी कुरीतियों और विश्वासों का खंडन किया और विधवा विवाह तथा विवाह का समर्थन किया इसमें से बहुत सारी बातों का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं यानी कि वो सती प्रथा मृतक श्राद्ध पशु बलि इत्यादि का विरोध करते थे नरबली का विरोध करते थे पर्दा प्रथा का विरोध करते थे लेकिन विशेष रूप से देवदासी प्रथा वेश्यावृत्ति और शवो को दफनाने या नदी में बहाने और समुद्र यात्रा का निषेध ये ऐसे नवीन बिंदु हैं जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है जो देवदासी प्रथा या वेश्यावृत्ति की प्रथा थी अः वो स्त्रियों की का जो एक अस्तित्व है उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न था और कई बार समाज में इसको गलत तरीके या निम्न तरीके से या हेत तरीके से देखे जाने के बावजूद कई बार धार्मिक कर्मकांडों के माध्यम से या धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप इसको जारी रखने की कोशिश की जाती थी और उसी तरीके से कई सारी ऐसी रूढ़िया समाज को जकड़ चुकी थी जैसे समुद्र यात्रा का निषेध नहीं करना ये ऐसी चीज थी जिससे कि बाद के दौर में बहुत सारे लोगों को भी जूझना पड़ा और अगर हम महात्मा गांधी की आत्मकथा को पढ़ें तो उसमें भी यह बात सामने आती है तो ये जो एक समुद्र यात्रा के निषेध जैसी जो बात थी इसके कारण भी कई तरह की परेशानियां या विकास में कई तरह की बाधाएं आ रही थी जिसको उन्होंने रोका तो कुल मिलाकर हम एक सुधारों की ऐसी सूची बना सकते हैं जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने करने की कोशिश की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा बने हुए हैं मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अभी देवदासी प्रथा या सबों को दफनाने या नदी में बहाने समुद्र यात्रा का निषेध इन सब चीजों से समाज काफी हद तक का आगे निकल चुका है लेकिन इसके पहले जो हम लोगों ने बातें कही थी देवी जागरण के बारे में तीर्थाटन के बारे में कर्मकांडो के बारे में मूर्ति पूजा के बारे में उस पर अभी भी समाज जकड़ा हुआ है तो इस लिहाज से हम जो एक क्रांतिकारी अंतर्दृष्टि क्रांतिकारी इंसाइट जो थी दयानंद सरस्वती के विचारों में उसके शिनाख्त कर सकते हैं क्योंकि वो उस समय इन सारे मुद्दों को उठा रहे थे इन सारे मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे जब इन मुद्दों का प्रभाव और ज्यादा था इन सारे आयामों का जकड़न और ज्यादा गहरा था हम इसको इस बात से भी समझ सकते हैं क्योंकि अभी भी मौजूद है शिक्षा प्रणाली में जो आर्य समाज है उसके योगदान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है स्वामी दयानंद का मूल मंत्र था कि जनता का विकास हो और प्रगति उनकी सुनिश्चित हो और उनके अस्तित्व की रक्षा करने का प्रयास किया जाए और वे हम मानते थे कि इसका सबसे अच्छा साधन जो है वह शिक्षा है अठारह सौ में आर्य समाज दो भागों में विभाजित हो गई और उसमें एक जो दल था उसने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया इस दल में लाला हंसराज और लाला राजपत राय प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय के बारे में हम सब जानते हैं लाला हंसराज के नाम से दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी एक कॉलेज भी है सुप्रसिद्ध कॉलेज तो इन लोगों ने क्या कहा कि पाश्चात्य शिक्षा दिया जाना चाहिए और इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज आ, की स्थापना की अलग अलग स्थानों पर की अगर आप ये ध्यान देंगे कि अभी भी डीएवी कॉलेज या डीए स्कूल के नाम से बहुत तरह की शिक्षण संस्थाएं हमारे देश में काम कर रही हैं तो ये जो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के समर्थन में ये चीजें चली और इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया निश्चित रूप से पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने के पीछे जो 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 मुख्य कारण था था वो वो यही था कि प्रगति की 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 चीज़ें हैं, जो तकनीक की चीज़ें हैं 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 नई तकनीक नए प्रकार के दर्शन से संवाद करने बातें पश्चिमी पश्चिम से जो शिक्षा आ रही है उससे चीजें हो सकती हैं तो वो अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए अंग्रेजी माध्यम में दी जाए और पश्चिमी शिक्षा दी जाए यह बहुत जरूरी है दूसरे दल ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया और इसके नेता स्वामी श्रद्धानंद जी थे और 1902 में हरिद्वार कांगड़े में इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज है और अन्य कई शिक्षण संस्थाएं भी हैं तो इन्होंने जो संस्था स्थापित की इस संस्था में वैदिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से दी जाती थी आज भी 200 से अधिक गुरुकुल संचालित हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल वीएवी कॉलेज स्थापित कर शिक्षा जगत में आर्य समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई अगर हम दयानंद सरस्वती के विचारों को देखें तो उसके आधार पर यह कहना कठिन है कि कौन सा खेमा ज्यादा सही था क्योंकि दयानंद सरस्वती लकीर का फकीर बने रहने में भरोसा नहीं करते थे और वो नई चीजों को अपनाने के लिए जागरूक थे वो उन चीजों पर सवाल भी खड़े करते थे जो कि पुरातन तरीके से किसी भी संस्था किसी भी व्यक्ति से जोड़ दी जाती थी तो इस लिहाज से पाश्चात्य शिक्षा उनके लिए कोई त्याज्य चीज होती ऐसा नहीं लगता है लेकिन दूसरी तरफ वो यह भी चाहते थे कि वैदिक परंपरा को स्थापित किया जाए और वैदिक परंपरा के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिससे कि आर्य जो व्यवस्था है या जो आर्य समाज हो उसकी लगातार प्रगति हो तो यह कहना थोड़ा कठिन है शायद वो इन दोनों के सम्मिश्रण की भी बात करते आ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दयानंद की प्रेरणा से काम करने वाले लोगों के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है स्त्री शिक्षा में आर्य समाज का उल्लेखनीय योगदान रहा अठारह के प्रारंभ तक आर्य समाज की अमृतसर शाखा ने दो महिला विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की थी तथा तीसरा कटरा इलाहाबाद में स्थापित हुआ था और यहाँ और भी कई इस तरीके से कॉलेजेस खुले गए लेकिन जो मुख्य बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है वह यह कि ऐसा नहीं था कि जो आर्य समाज शिक्षा स्त्रियों को देना चाहता था वह शिक्षा वैदिक या आर्य की जो रूपरेखा है उससे अलग एक नए तरीके से स्त्री को जन्म देने वाली शिक्षा के रूप में था तो ये एक सीमा के रूप में मैं इसको रेखांकित करना चाह रहा हूँ क्योंकि यह काफी हद तक जो पश्चिम है, है, है उसके भीतर स्त्रियों को शिक्षा देना दयानंद सरस्वती भी जो एक वैदिक रूपरेखा थी उसके भीतर स्त्रियों को शिक्षित करना चाहते थे यानी कि वो एक ऐसी स्त्री की परिकल्पना कर रहे थे जो कि अपने घर को भी संभाले पति की, की के रूप में भी रहे माता की भूमिका का निर्वाह भी करे गृहिणी के काम को बेहतरीन तरीके से करे लेकिन वो वो सुशिक्षित हो और अगर वो अपने विचारों को रखना चाहती है तो उन विचारों को रखने में समर्थ हो लेकिन ये दोनों ही चीजें एक साथ संचालित हो पाना अक्सर कठिन होता है और इसमें एक व्यक्ति के रूप में लड़कियां खुद सोचें खुद अपना फैसला करें अपने जीवन के हर प्रकार के विकल्पों का चुनाव करें इसकी परिकल्पना थोड़ी सीमित थी लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो पहला चरण है वो हमेशा ही यह है कि स्त्रियों को या लड़कियों को शिक्षा की व्यवस्था दी जाए उसके बाद के चरण में ये सारे मुद्दे सामने आ सकते हैं कि वो अपने आप से सोचना अपने ऊपर विश्वास करना नौकरियों में और समाज के अन्य भागों में अपनी हिस्सेदारी मांगना सीख रही हैं तो इस लिहाज से जो डी का जो एक पूरा प्रयोग रहा उसमें इस तरह की बातें आगे जुड़ी भी लेकिन आ, मोटे तौर पर मैं इस बात पर जोर देना चाह रहा हूँ कि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का कि जो आरंभिक रूप था उसमें जो स्त्रियों या लड़कियों की जो शिक्षा की जो पूरी परिकल्पना थी उस परिकल्पना में एक धार्मिक या वैदिक स्वरूप ज्यादा हावी था और आधुनिक और स्वायत्त महिला के निर्माण की जो एक चेतना थी उसमें उतनी मजबूती से उपस्थित नहीं थी हिंदी सेवा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्य का स्वामी दयानंद की मातृभाषा गुजराती थी और उनको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था संस्कृत में वे बहुत धारा प्रवाह बोल सकते थे किंतु केशव चंद्र सेन के सलाह पर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश जैसा क्रांतिकारी ग्रंथ हिंदी में रचकर हिंदी को एक प्रतिष्ठा दी और हमें यह ध्यान भी रखने की जरूरत है आ, कि आमतौर पर हिंदी को उत्तर भारत केंद्रित भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है लेकिन आ, ना तो दयानंद सरस्वती उत्तर भारत के थे और ना ही केशव चंद्र सेन लेकिन एक जो चेतना थी जो राष्ट्रीयता की चेतना थी जिसमें कि एक भावना थी कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए देश की जिससे कि देश के लोग आपस में जुड़ सकें आपस में संवाद कर सकें उस चेतना ने ही अः uh, केशव चंद्र सेन को यह प्रेरित किया कि वो दयानंद सरस्वती जैसे लोगों को इस बात की प्रेरणा दें कि वो हिंदी में अपना लेखन करें और दयानंद सरस्वती ने इस तरह का लेखन किया भी सत्यार्थ आर्य समाज ने हिंदी को आर्य भाषा कहा और सभी आर्य समाजों के लिए इसके ज्ञान को आवश्यक बताया दयानंद जी वेदों की व्याख्या संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी करते हैं स्वामी श्रद्धानंद ने हानि उठाकर भी अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन देवनागरी लिपि में आ, किया हिंदी आ, और जबकि उनका प्रकाशन पहले उर्दू में होता था तो इस तरीके से एक जो हिंदी के प्रति या हिंदी के प्रसार के प्रति जो एक प्रयास था वह हमें आर्य समाज के लोगों में दिखता है आर्य समाज हिंदी के संवर्धन के मैदान में अग्रगामी बना सैकड़ों गुरुकुलों देवी स्कूल और कॉलेजों में हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी गई और इस कार्य के लिए नवीन पाठ्यक्रम की पुस्तकों की रचना हिंदी भाषा के माध्यम से गुरुकुल कांगड़ी एवं लाहौर आदि स्थानों पर हुई जिनके विषय विज्ञान गणित समाजशास्त्र इतिहास थे और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो प्रयास आर्य समाज के द्वारा किए गए वैसे प्रयास अन्य क्षेत्रों में भी हो रहे थे लेकिन कई बार वो साहित्य की भाषा के रूप में हिंदी को आगे बढ़ा रहे थे और आर्य समाज ने यह कोशिश की कि वो ज्ञान के भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करें इसका मतलब यह नहीं है कि साहित्य में ज्ञान नहीं है इसका मतलब यह है कि ज्ञान के और सारे जो रास्ते हैं विज्ञान के रूप में गणित के रूप में समाजशास्त्र के रूप में इतिहास के रूप में राजनीति विज्ञान के रूप में उसमें भी हिंदी में रचना हो यह प्रयास दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से बाद में आर्य समाज और आर्य समाज की संस्थाओं ने किया यह एक अलग ही किस्म का हिंदी भाषा में परीक्षण था जिसके वांछनीय परिणाम निकले और आर्य समाज द्वारा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हिंदी में किया गया तो इससे यह भी यह बात भी भी बात सामने आती है कि अगर आ, किसी भाषा के लिए प्रगति पे या उसके विस्तार पर हम ध्यान देते हैं तो उसके लिए हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से प्रयास करते हुए हिंदी को या भाषा को जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश की और इसमें अगर हम हिंदी के इतिहास की बात करें तो हमें निश्चित रूप से आर्य समाज की भूमिका को आ, समझना होगा और जहाँ जहां, -जहां आर्य समाज गया वहां वहां भी उस अपने साथ वो हिंदी को लेकर आगे बढ़ा और हिंदी को उसने आगे बढ़ाया चाहे वो पंजाब का इलाका हो चाहे हम किसी और दूसरे इलाके की बात करें जहाँ पर आर्य समाज का काम आगे बढ़ा ये जो एक महत्वपूर्ण अवधारणा जो कि इनके विचारों में यानी कि दयानंद सरस्वती के विचार में आती है वह है वैदिक स्वराज की अवधारणा आर्य समाज ने सीधे तौर पर राजनीति में भाग नहीं लिया किंतु इसने परोक्ष रूप से राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने में सहायता की आर्य समाज से पहले अगर हम दयानंद सरस्वती के जीवन को देखें तो कांग्रेस की स्थापना होने के दो वर्ष पूर्व इनका देहांत हो जाता है और कांग्रेस की स्थापना होने से पहले कुछ छिटपुट संगठनों ने अपना काम शुरू किया था लेकिन जितने भी विद्वान थे, थे, जो भी सक्रिय वो अपने अपने समुदायों में सुधार के माध्यम से, उनकी स्थिति में सुधार के माध्यम से यह कोशिश कर रहे थे कि उनकी हिस्सेदारी अंग्रेजी शासन में बढ़े और उससे देश और समाज का भी भला हो चाहे हम लोकमान्य तिलक की बात करें या फिर हम ज्योतिबा फूले की बात करें या उसके पहले हम राजा राम मोहन राय की बात करें या सैयद अहमद खान की हम बात लें तो या फिर हम पंडिता की बात करें तो हर किसी ने कुछ खास समूहों पर ध्यान ध्यान केंद्रित किया। केंद्रित किया किया किसी व्यक्ति ने जिस समूह समूह पर वह थोड़ा बड़ा था किसी ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया वह समूह थोड़ा छोटा था लेकिन अपने अपने विशिष्ट समुदायों पर ध्यान देते हुए उनकी स्थिति को बेहतर बनाते हुए उन्होंने यह कोशिश की कि मोटे तौर पर भारतीय जो राज्य है या भारतीय जो समाज है उसके भीतर एक जागरूकता है मिसाल के तौर पर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों के हितों की बात की लेकिन कम से कम अपने जीवन के आरंभिक दौर में कांग्रेस की स्थापना से पहले के दौर में वो हिंदू और मुस्लिम एकता की भी बात करते रहे तो आ, हमें यह ध्यान देना होगा कि न तो दयानंद सरस्वती ने और ना ही बाद में आर्य समाज ने उस अर्थ में राजनीति में भागीदारी की जिस अर्थ में आ, हम आमतौर पर उसे समझते हैं यानी कि सरकार से सीधे तौर पर बहुत सारी मांगे रखना अपनी मांगों के पक्ष में आंदोलन करना या फिर आजादी के बाद के दौर में सत्ता में हिस्सेदारी लेना तो इस तरह की चीजें उन्होंने नहीं की किंतु राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने में दयानंद सरस्वती की भूमिका भी रही और उनके बाद के दौर में भी आर्य समाज की भूमिका रही स्वदेशी और हिंदू को बढ़ावा देने को भी हम इसी रूप में देख सकते हैं इनके राजनीतिक दर्शन यानी कि दयानंद सरस्वती के राजनीतिक दर्शन के दो केंद्रीय विचार आपस में अंतर विरोधी हैं एक तरफ उन्होंने प्रबोधित राजतंत्र की कल्पना की और दूसरी तरफ चुने हुए प्रतिनिधित्व या लोकतंत्र की उन्होंने पहला विचार मनुस्मृति से लिया और दूसरा विचार वेदों के विचारों के अनुरूप था दयानंद सरस्वती के अनुसार राज्य की मशीनरी में एक राजा और तीन सभाएं होती हैं यह तीन सभाएं धार्मिक विधायी और शैक्षिक होती हैं ये आम लोगों की तरफ से और उनकी सहमति से संप्रभुता का प्रयोग करती हैं राज्य में राजा सर्वोच्च होता है तो धार्मिक विधाई और शैक्षिक इन्होंने तीन सभाओं की कल्पना की उन्होंने यह भी कहा कि राजा का पद वंशानुगत या जाति पर आधारित नहीं होता है विद्वानों की एक सभा द्वारा योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर राजा का चुनाव होता है और आम लोगों द्वारा इसका अनुमोदन होता है राजा के पास असीम सत्ता नहीं होती है बल्कि यह सत्ता का ट्रस्टी होता है यदि राजा धर्म के विपरीत होता है तो लोग इसे हटा सकते हैं काफी हद तक यह विचार जो है पूरी तरीके से नहीं पर काफी हद तक प्लेटो ने जिस तरीके से एक राज्य का विचार रखा है जो सेकेंडरी के द्वारा चलने वाले राज्य का उसके करीब जाता है लेकिन आ, पूरी तरीके से नहीं कुछ हद तक उसमें हम साम्यता देख सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अध्याय में राजधर्म का वर्णन किया गया है दयानंद ने इसमें बहुत से तत्व वेदों से ग्रहण किए वे कहते हैं कि राजा को निष्पक्ष सुशिक्षित और हर किसी के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाला होना चाहिए उसे बिजली की तरह शक्तिशाली होना चाहिए और उसका आचरण ऐसा होना चाहिए कि उसकी जनता उसे अपने सांसों जितना प्यार करे उसे दुष्ट आचरण वाले लोगों को सजा देने और अच्छे आचरण वाले लोगों के संरक्षण में समर्थ होना चाहिए शासकों शासक को लोगों के मस्तिष्क से अज्ञान और अन्याय को हटाकर उनमें न्याय और ज्ञान की भावना भरनी चाहिए दयानंद की सरकार की अवधारणा में धर्म लोकमत और सभाओं का मुख्य स्थान है वे धर्म को सर्वोच्च स्थान देते हैं और इसे राज्य तथा शासक के उच्च स्तर पर प्रदान करते हैं धर्म एक शाश्वत कानून है और यह समाज और राजनीति के संगठन का प्रमुख आधार है उन्होंने एक मजबूत सेना पर भी काफी जोर दिया तो कुल मिलाकर ये जो उनकी पूरी धारणा है वैदिक राज्य की अगर हम उस पर ध्यान दें तो यह बात सामने आती है कि वो एक लोकतंत्र का तत्व तो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो धार्मिक विधायी और शैक्षिक सभाएं हैं वह लोगों की तरफ से और उनकी सहमति से संप्रभुता का प्रयोग करती हैं। लेकिन जो और जो राजा होता है वह योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर आम द्वारा चुना जाता है और आम लोग उसका अनुमोदन करते हैं और उसके पास असीम सत्ता भी नहीं होती है और यदि राजा लोगों के धर्म के विपरीत जाता है तो उसे हटाया जा सकता है लेकिन फिर भी जो राजा की जो स्थिति है वो मजबूत इस लिहाज से होती है क्योंकि वो सुशिक्षित होता है शक्तिशाली होता है और उसका आचरण ऐसा होता है कि लोग उसे प्यार करते हैं और इस लिहाज से राजा अपनी तो कुल मिलाकर जो राजा है इस पूरे वैदिक राज्य के अवधारणा में वह अपनी योग्यता से अपनी अपने चारित्रिक गुणों से लोगों की सेवा करने उनकी भलाई करने की अपनी क्षमता से उनकी इज्जत या उनकी श्रद्धा या उनका समर्थन हासिल करता है तो एक तरफ लोकतंत्र का तत्व आ जाता है यानी कि लोग जो हैं, वो तीन जो सभाएं हैं वो उनकी तरफ से काम करती हैं राजा का चुनाव का अनुमोदन वो करते हैं और दूसरी तरफ राजतंत्र का तत्व है कि एक राजा जैसा व्यक्ति है जो वंशानुगत ना होने के बावजूद काफी हद तक अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है और उसके बीच में वो धर्म की स्थिति को भी रखते हैं कि ये सारी प्रक्रिया एक शाश्वत कानून के रूप में होता है और यह समाज और राजनीति को संगठित जो जनता है और जो राज्य के दूसरे कर्मी हैं शाश्वत नियम से संचालित होते हैं वो अपने अपने काम को समझते हुए पर ध्यान देते हैं तो जो ये पूरी स्थिति है एक इस रूप में देख सकते हैं कि जो जो राजा है वो निरंकुश नहीं है लेकिन फिर भी वो लोगों पर नियंत्रण रख सकता है और बार बार वो इस बात पर जोर देते हैं सेना रखना जरूरी है किसी भी देश के लिए और ये को रेखांकित करता है कि कैसे वो एक यथार्थ हैं जो कि सेना के महत्ता को सेना के महत्व को समझते हैं तो ये जो पॉलिटी की जो की उसमें भी इस तरह की बात सामने आती है कि किस तरीके से उसको चुना जा सकता है मतलब ये एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी खैर तो यहाँ हम आलोचनात्मक राज्य की अवधारणा है उसकी एक स्पष्टता आपके सामने आ गई होगी कि तो भी है, और राजा के व्यक्तित्व पर वो निर्भर करता है कि करता है। अब हम इनके विचारों के कुछ आलोचनात्मक बिंदुओं बाद जिसकी चर्चा हम लोगों ने थोड़ी कम की और वो ये है कि आज की प्रचार प्रसार पर और शुद्धिकरण पर भी आर्य समाज ने कुछ की एक तीखी आलोचना भी प्रस्तुत की गई और इसके नाव की स्थिति भी पैदा हुई और उससे भी आगे बढ़ती के विचारों को एक ऐसे समाज पर ला हैं जैसे कि हमारा देश है हमारे देश का समाज है है कि दयानंद सरस्वती मुख्य रूप से एक धर्म एक मजहब या एक रिलीजन के लोगों को ही संबोधित कर रहे हैं और वह पाखंड से मुक्त होने की बात करते हैं निश्चित रूप से के लिए या सिखों के लिए या बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह मानना मुश्किल होगा वो वेदों को अपनाए तो इस लिहाज से आ, समस्त हिंदुस्तान ज्यादातर जो पूरी की पूरी कोशिश है वह हिंदू धर्म से संबंधित है यहां पर जो पूरी कोशिश यानी कि दूसरे धर्म से में परिवर्तित हो चुके लोगों को हिंदू धर्म में वापस कई स्थानों पर तनाव का कारण बनती रही है तो मैं कहना चाहता हूँ वह यह स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार पाकिस्तान या भारतवर्ष के एक बड़े धार्मिक समुदाय की उन्हें संबोधित करते हैं लेकिन जो दूसरे धर्म में हैं बल्कि वो यह कोशिश भी करते हैं कि के रूप में प्रस्तुत किया जाए और उसके बरक्स पूरे के पूरे भीतर उनके रूढ़ियों को खत्म करके एक बेहतर मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए ना भी है कि जो एक धर्म या एक की जो पूरी तो से या से प्रभावित लगती है यानी कि यह या स्वरूप नहीं रहा कि उसमें यह मान लिया जाए कि एक ही धर्म है सॉरी एक ही पुस्तक है और उसी पुस्तक के आधार पर पूरे या एक ही ईश्वर है तो लोगों का या आलोचकों का यह सरस्वती जो है वो ईसाइत का जो मॉडल है उस दूसरे स्तर पर जो हिंदी के प्रसार की बात बात है आ, बहुत बुरी बात तो नहीं मानी जा सकती अच्छी बात थी और उन्होंने हिंदी की एक भाषा के रूप में ज्ञान के भाषा के रूप में उसका प्रसार किया लेकिन बहुत बार जो दूसरे भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं वो इस मॉडल को बहुत ज्यादा समर्थन नहीं दे पाते हैं मिसाल के तौर पर पंजाब की तरफ से पंजाब के कई विद्वानों की तरफ से यह तर्क आता है कि हिंदी को जिस तरीके से जिस तरह का प्रसार दयानंद सरस्वती या आर्य समाज के द्वारा किया गया हिंदी का प्रसार वह उसने पंजाबी को दबाने की कोशिश की और अलग अलग स्थानों पर इसी तरीके से अन्य भाषाओं के साथ हुआ अब यह जो समस्या है वह हिंदुस्तान की तकरीबन शाश्वत समस्या के रूप में भी है और यह समस्या आज भी सामने आती है आज भी यह तर्क दिया जाता है कि अगर आप एक भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं जब मिसाल के तौर पर हिंदी को तो आप अन्य भाषाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं उनके विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह एक ऐसा तर्क है जिसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि हिंदी का विकास करने का मतलब दूसरी भाषाओं को दबाना नहीं है दूसरी भाषाएं अपनी प्रेरणा से अपने सामर्थ्य से अपने संसाधनों से मदद आगे बढ़ सकती हैं लेकिन हमें इस आलोचना को पर ये जरूर ध्यान देना होगा क्योंकि ये एक आलोचना के रूप में बार बार आर्य समाज के कार्यों और दयानंद सरस्वती के विचारों के सामने आता है और इसमें कुछ हद तक जरूर सत्यता भी है कि हिंदी कई स्थानों पर एक प्रभुत्वकारी भाषा के रूप में गई हमने इस बिंदु का पर पहले चर्चा की है कि वर्ण व्यवस्था का पूर्ण नकार जो है वह दयानंद सरस्वती के विचारों में नहीं दिखता है ऐसा लगता है मानो थोड़ा आकर्षण सा रह गया हो इस विचार से लेकिन फिर भी अगर हम व्यवहारिक स्तर पर बात करें तो उन्होंने छुआछूत का निषेध किया जाति प्रथा का विरोध किया अंतर जाती विवाह का भी को भी को को बढ़ावा दिया। तो इस पूरी को हम यह कहते हुए थोड़ी सी छूट भी दयानंद सरस्वती को दे सकते हैं कि शायद वह व्यवहारिक रूप से इस विचार को नहीं पूरी तरीके से नकार पाए हालांकि यह पहलू जैसा कि अंबेडकर और कई अन्य विचारक जोर देते हैं असल में कई बार वर्ण व्यवस्था की तरफदारी के तर्क के रूप में भी सामने आ जाता है तो यह एक आलोचना है एक अन्य पहलू जिस पे मैंने पीछे भी उल्लेख किया वह महिलाओं की शिक्षा से संबंधित है तो ये जो जिसके बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं कि किस तरीके से पूर्ण स्वायत्त एजेंसी वाली महिलाओं की बजाय एक वैदिक धर्म की रूपरेखा के भीतर काम करने वाली महिला के रूप में एक परिकल्पना आदर्श महिला की प्रस्तुत की गई दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के द्वारा अब अगर हम आर्य समाज के योगदान की बात करें या दयानंद सरस्वती की पूरे वैचारिक योगदान और उनके कार्यों के योगदान की बात करें तो इन आलोचनाओं के बावजूद हमें यह ध्यान देना होगा कि दयानंद सरस्वती एक ऐसे दौर में काम कर रहे थे जिस दौर में अंग्रेजों का प्रभुत्व था और उनके मन में यह मनसा थी कि वो हिंदू धर्म के भीतर जो कमियां और जो रूढ़ियां आ गई हैं उनको वो दूर करें और उनको दूर करते हुए वे एक आदर्श समाज की स्थापना करने की कोशिश करें निश्चित रूप से इसमें एक सर्वधरो संभाव की भावना थोड़ी कम दिखेगी सेकुलर राज्य की भावना और ज़्यादा दूर दिखेगी और मुख्य रूप से ऐसा लगता है कि जो चिंतक दयानंद सरस्वती हैं वो हिंदुओं से ही संवाद कर रहे हैं और वो दूसरे धर्मों को कई बार जाने अनजाने शत्रुओं के रूप में भी चित्रित कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस रूप में एक सामाजिक सुधार आंदोलन को चलाया और जिस रूप में उनके संस्थाओं ने शिक्षा के प्रसार का काम किया उससे भारत में सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली जो एक धर्म का गैर कट्टर हम बोल सकते हैं, जिसमें कट्टरता ना हो जिसमें रूढ़िवाद ना हो जिसमें पोंगा ना हो जो बहुत ही सरल रूप में धर्म को प्रस्तुत करने का प्रयास दयानंद सरस्वती ने किया और बाद में देश के अलग अलग भागों में आर्य समाज ने किया उसने देश के लोगों के भीतर एक नए तरह की ऊर्जा और सोच को भरने का काम किया एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका जो दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा आर्य समाज की परिकल्पना से सामने आई वह यह कि इसने ऐसे स्थानों के निर्माण पर जोर दिया चाहे वह आर्य समाज मंदिर हो या आर्य समाज सभा के संगठन के जो कार्यालय हो वहां पर कि लोग जहाँ हफ्ते में दस दिन में अलग अलग कारणों से एक दूसरे से मिलते हैं संवाद करते हैं और वो जो मिलना जुलना और संवाद के का जो एक स्थान बनाने का, का काम दयानंद सरस्वती की परिकल्पना से आर्य समाज के द्वारा किया गया उसने लोगों के भीतर चेतना भरने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि एक समूह के रूप में जब लोग मिलते हैं तो वो आपसी संबंधों के साथ साथ उनके समाज में उनके देश में उनके धर्म के साथ जो चीजें चल रही हैं उस पर भी चर्चा करते थे और आपसी चर्चा के माध्यम से ही लोगों के भीतर एक चिंता और चिंतन का भाव सामने आता था जिससे कि लोग आगे फिर सामूहिक कार्रवाई की ओर आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के एक मॉडल को गठित करने में आर्य समाज की बड़ी भूमिका रही तो हमें कुल मिलाकर यह या याद रखना होगा कि एक एक कालखंड में एक महापुरुष के रूप में या एक बड़े चिंतक के रूप में दयानंद सरस्वती इस, इस समाज में आए और उन्होंने अपने कुछ विचार रखे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके विचार विचारों की कई सीमाएं भी साफ तौर पर हमें दिखती हैं लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है उनके किए हुए कार्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार तैयार किया भारत की राष्ट्रीय चेतना के लिए और जो भारतवर्ष का एक बहुसंख्यक धर्म था हिंदू धर्म उसमें सुधार काम को आगे बढ़ाने के लिए तो इस लिहाज से ही हमें दयानंद सरस्वती को देखना होगा मुझे ये उम्मीद है कि मेरी इस चर्चा से आप दयानंद सरस्वती के बारे में एक सामान्य समझ बना पाए होंगे और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आगे आप दयानंद सरस्वती के बारे में उनके लेखन उनके विचार और उनके कार्यों के बारे में और पढ़ेंगे और अपनी आलोचनात्मक समझ का विकास करेंगे तो आज की इस पूरी चर्चा को हम यही विराम देते हैं नमस्कार